नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कौन से शेयर बाय करना चाहिए, मतलब कौन ऐसे शेयर हैं जो कि अभी के गिरावट वाले मार्केट में अगर आपको वो नीचे के प्राइस पर मिलता है तो आपको निश्चित बाइंग करना चाहिए, या कहें कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर कौन सा स्टॉक्स बाय करें, हम स्टॉक मार्केट में नहीं, हम कौन से स्टॉक बाय करें, सर ये बताइए कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से स्टॉक से हम अपना पोर्टफोलियो सजाएं। तो चलिए इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट का राजा रिलायंस इंडस्ट्री काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, काफी बेहतरीन। इधर देख सकते हैं, अगर आपको हम एक साल का सिर्फ चार्ट दिखाएं तो देख सकते हैं ये स्टॉक मार्केट का जब गिरावट आया था इसमें भी भारी गिरावट आया था, उसके बाद जो ये रिकवरी हुई है तो यहां से देख सकते हैं ये 94% का रिटर्न अभी दे चुका है। 94% सोचिए, छोड़िए 98% तक ये रिटर्न इन्वेस्टर को दे चुका था। पिछले दो दिन से कुछ करेक्शन इसमें देखने मिला है, तो समझ सकते हैं ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स आपको जरूर रखने चाहिए, क्योंकि उस समय कंपनी के पास डेप्थ था इसलिए कंपनी में इतनी गिरावट आई थी। अब ये कंपनी आपको इस वैल्यूएशन पे कभी नहीं मिलने वाला, तो लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत कभी गिरावट आती है तो आपको इसमें ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। तो जैसे आपको गिरावट वाले मार्केट में कभी भी मिलती है तो इस स्टॉक में ज़रूर बाइंग करें। फिर देख सकते हैं 5 ईयर्स का चार्ट कितना बेहतरीन चार्ट है, मैक्स ईयर में देखेंगे तो भी देखें कितना बेहतरीन चार्ट है। यहाँ से देख लीजिए रिलायंस कितना परसेंट का रिटर्न दे चुका है, 3164% का रिटर्न। समझिए एक ब्लू चिप स्टॉक जो कि पूरे स्टॉक मार्केट का सबसे बेहतरीन स्टॉक्स है, वो आपको हजारों परसेंट का रिटर्न देता है। वो हजारों परसेंट में कितना, 3000% का रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होने चाहिए, लेकिन अभी आपको इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। जैसे ये इसमें करेक्शन आता है 1500 या उसके नीचे कभी भी मिलता है तो आप ज़रूर इसमें बाय करें, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। दूसरा एयरटेल, दोस्तों अभी जो हमारा है जो लॉकडाउन लगा है, आप जो देख रहे हैं आगे का जो आने वाला समय है उसमें डाटा है हमारा 4G 5G आने वाला, अब 5G आएगा तो काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस बढ़ने वाला है। और हमारे यहाँ के मार्केट में दो ही कंपनी है, जियो और एयरटेल, तो ऐसे में ये स्टॉक्स आपको तो बाइंग करने के लिए बनता ही है, क्योंकि जियो तो है नहीं, उसके लिए आप रिलायंस को बाय करेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये कंपनियाँ भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, ये भी एक MNC कंपनी है और इस ये हमारा अफ्रीका में भी है, तो कई जगह ये कंपनियाँ। और देख सकते हैं 3655% का रिटर्न ये दे चुका है पिछले 18 सालों में, मतलब आपका हर साल ये मनी जो है 3 गुना कर दिया है, मतलब समझ सकते हैं कि एक होता है 2 गुना, ये 3 गुना बना दिया आपके मनी को। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये, और जैसे गिरावट में आपको कभी भी मिलता है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 500 है, 500 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो कभी भी बाइंग करने के लिए ना छोड़ें। अगर मार्केट में काफ़ी करेक्शन आता है तो ये 400 पे भी आपको मिल सकता है, तो आपको अपना बाइंग लेवल बना के रखना है। जैसे 500 रहता है SIP स्टार्ट, 500 पर पहला लेवल पर बाय किए और करेक्शन आता है फिर दूसरा SIP इसमें करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, इस तरह से हर करेक्शन पर बाय करेंगे। उसके बाद आता है IRCTC, दोस्तों IRCTC देख सकते हैं इसका, जबकि 31 जुलाई तक कंफर्म हो गया कि ट्रेन नहीं चलने वाली है, उसके बाद भी देख सकते हैं इसमें गिरावट नहीं आ रही है। इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं कहिए, क्योंकि इसका बिजनेस जो है मोनोपोली है, क्योंकि इन्वेस्टर जान रहे हैं कि एक बार ये स्टार्ट हो गया इनका सर्विसेस तो फिर ये स्टॉक्स आपको 2000 से नीचे नहीं मिलने वाले हैं। मतलब एक बार इसका सारा चीज स्टार्ट्स फिर ये स्टॉक डायरेक्ट यहाँ 1300 से 2000, तो इतना बेहतरीन स्टॉक जब भी मिल रहा है तो आप ज़रूर बाय करें। जैसे इसमें 1000 के लेवल पे आ जाता है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि अभी आगे का सिचुएशन काफ़ी बदतर हो रही है, तो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आप बाइंग का इसमें अपना जो प्लानिंग है वो बना सकते हैं कि आपको कैसे बाय करना है। अगर आप 10 साल के लिए बाय करते हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट ज़रूर लगाएं, जैसे जैसे करेक्शन होगा आप और डीप पर बाय करेंगे, तो इस तरह का स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। दूसरा है हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट, इसका देख लीजिए सबसे स्टॉक मार्केट में बेहतरीन स्टॉक में से एक है हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट। तो देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर में कितना बेहतरीन चार्ट है, आगे आने वाले समय में ये हो सकता है एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है अगर
इनका जो सारे कंडीशन है फेवर में जाता है, मतलब ये कंपनी काफ़ी ग्रो करती है आगे, क्योंकि इसका ग्रोथ जो है काफ़ी फास्ट है। तो अगर ग्रोथ इसी तरह से होता गया तो ये स्टॉक्स एक काफ़ी बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, क्योंकि अभी ही ये स्टॉक्स 3-4 times मल्टीबैगर बन चुका है। यहाँ से देख लीजिए, देख से 275%, मतलब 3 times मल्टीबैगर स्टॉक्स ये बन चुका है। तो समझते हैं जिन्होंने IPO में इन्वेस्ट किया उनके लिए ये 7 times मल्टीबैगर है। समझते हैं जिन्होंने IPO से ही बाय किया है तो उनके लिए ये 7 times मल्टीबैगर स्टॉक्स है। इतना बेहतरीन स्टॉक्स हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो ऐसे ही स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद लुपिन आप कई वीडियो में देख रहे होंगे, हमने भी कवर किया है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। लॉन्ग टर्म का चार्ट इसका देखेंगे, ये भी काफ़ी बेहतरीन चार्ट है। देख सकते हैं अपने इन्वेस्टर को ये लाखों परसेंट का रिटर्न, देख सकते हैं यहाँ से आप कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, 40,000% का रिटर्न। तो ये लुपिन जो है काफ़ी बेहतरीन स्टॉक मार्केट के सबसे बेहतरीन स्टॉक में से एक है। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज फार्मा सेक्टर में इनका बिजनेस है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। मैक्सिमम ईयर का रिटर्न देखेंगे तो देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न है, यहाँ से 6,316% का रिटर्न। समझते हैं इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, तो ऐसे स्टॉक में आप जरूर इन्वेस्ट करें। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में जो आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल होना चाहिए, ये स्टॉक्स गिरावट में जब भी मिलता है तो इसमें कितना लेवल पर आप बाय करेंगे आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, क्योंकि 52-week low देखिएगा 2300 रुपये है, जबकि हाई देखिएगा 4190 रुपये है, तो काफ़ी बड़ा रेंज है इसका। तो किस रेंज पर आपको बाय करना है तो ये आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। जैसे 3000 के लेवल पर आता है तो आप इसमें पहला SIP कर सकते हैं, उससे नीचे आता है तो आप दूसरा। ऐसे हमें नहीं लगता है कि ये 3000 का लेवल कभी आएगा, वैसे स्टॉक मार्केट में काफ़ी करेक्शन आए तभी ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल सकता है। फार्मा सेक्टर का एक और बेहतरीन स्टॉक जो कि है एबेटो इंडिया। एबेटो इंडिया ये कभी भी आपको देख सकते हैं, ये स्टॉक्स कभी भी नीचे आते हुए आपको मिलेगा ही नहीं। अभी भी ये देख सकते हैं 5000% का रिटर्न दे रहा है, देख सकते हैं 2002 से लेकर के 2020 तक में मात्र। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अभी ही थोड़ा सा करेक्शन आया है, पहले कभी इसमें करेक्शन देखने नहीं मिला था। ये 17,000-18,000 रुपये का स्टॉक्स था, 18,000 रुपये देखते हैं मैक्सिमम प्राइस, अभी इसमें काफ़ी 3000 रुपये का करेक्शन आया है। तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करें, काहे अभी करेक्शन का मोड इसमें चल रहा है। जो करेक्शन होगा उस करेक्शन वाले प्राइस पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी इसमें करेक्शन आया है और आगे भी हो सकता है इसमें थोड़ा सा करेक्शन आए। उसके बाद अगला है हमारा बजाज फाइनेंस। अभी फाइनेंस सेक्टर काफ़ी प्रभावित है, इसलिए ये स्टॉक्स भी काफ़ी आपको नीचे मिल रहा है। 5000 रुपीज़ का ये स्टॉक्स अभी आपको 2,828 रुपये में मिल रहा है, तो अभी इसमें और करेक्शन आ सकता है। जैसे ये 2000 का लेवल पे था तो वहाँ पर आप इसमें बाय कर सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे। अब इसमें आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आगे का जो रिजल्ट आएगा इसका काफ़ी मतलब ख़राब रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसे में आप इसमें वेट एंड वॉच करें। 2000 के लेवल पर आता है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। उसके बाद अगला है हमारा बजाज फिनसर्व। देख सकते हैं बजाज फिनसर्व ये भी बेहतरीन स्टॉक है, बजाज फाइनेंस उसका पेरेंट कंपनी है ये। और ये भी स्टॉक 10,000 रुपये का हुआ करता था, अभी आपको मात्र 5,833 रुपये मिल रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए 5,000 या 4,500 का वेट कर सकते हैं। उस लेवल पर आप बाइंग का ज़्यादा अच्छा मतलब बेटर ऑप्शन है, आप उस लेवल पर बाय करें, अभी इस लेवल पर आप बाइंग ना करें। तो इस पर जैसे 4000 का लेवल आता है तो आप इसमें जितना चाहे उतना बाइंग कर सकते हैं, मतलब अपना पोजिशन बना सकते हैं। लॉन्ग जो NBFC है मतलब जो फाइनेंस सेक्टर है वो जैसे रिकवर होगा तो सबसे पहले ये स्टॉक्स रिकवर होंगे। उसके बाद हमारा अगला है HDFC। अगर आप हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप HDFC में कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। जो हमारा बजाज है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, उसी तरह से HDFC और HDFC बैंक, HDFC ग्रुप का बेहतरीन स्टॉक्स है। ये भी देख सकते हैं किस तरह का चार्ट है, आप देख सकते हैं काफ़ी समय बाद आपको ये इतने गिरावट पर ये स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं चाहिए, ऐसे स्टॉक्स में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। उसके बाद हमारा है अगला स्टॉक HDFC। देख सकते हैं HDFC बैंक हमारे स्टॉक मार्केट के सबसे बेहतरीन स्टॉक में से एक, देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो ये सारे HDFC बैंक का रिटर्न देख सकते हैं 14,000% का रिटर्न दिया है 1999 से 2020 तक में, समझ सकते हैं 13,000% का रिटर्न। इतना बड़ा जो बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का लीडर स्टॉक्स वो आपको 1000% का रिटर्न दे रहा है, तो फिर आप कई 1000% का रिटर्न दे रहा है, तो फिर आप दूसरे
अरे गहरे स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करें जब ऐसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट के लीडर स्टॉक आपको 1000% का रिटर्न दे रहा है। तो उसी में हमारा अगला स्टॉक्स है एशियन पेंट। एशियन पेंट भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ये भी इसका भी जो हमारा प्रोडक्ट है मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करता है, मतलब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका वैल्यू है, मतलब अच्छा पकड़ है इसके प्रोडक्ट का। और ये देख सकते हैं 20,000% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को 20 साल में, 20,000% का रिटर्न, मतलब 19,000 मतलब 20,000 के काफ़ी करीब है। तो इस तरह से समझते हैं इतने बेहतरीन स्टॉक में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें गिरावट वाले मार्केट में जब भी मिलता है तो। उसके बाद अगला स्टॉक्स है पीडीलाइट। पीडीलाइट में जैसे आप देख सकते हैं अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे ये मिल रहा है, आप चाहें तो पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं या 1200 के लेवल पे मिलता है तो आप इसमें अच्छे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टर को, देखते हैं 11,000% का रिटर्न। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है जो कि जिसका फेविकॉल मार्केट में इनके जो प्रोडक्ट है फेविकॉल काफ़ी डोमिनेट करते हैं, मतलब मार्केट में मोनोपोली वाला बिजनेस है इसका भी। वहीं एशियन पेंट जो था, एशियन पेंट में आप जो है 1687 है तो 1500 के लेवल पे पहला SIP कर सकते हैं, मतलब आपको थोड़े थोड़े अमाउंट जो है हर लेवल पे बाय करना चाहिए जिससे कि आपका एवरेज रूप से अच्छा प्राइस उसमें आ जाए। जैसे करेक्शन आता है 1500 लेवल पे बाय किया फिर 1400 गया और 1200 गया तो उस पर बाय करेंगे, ऐसे 1500 से नीचे जाना इस स्टॉक का उतना संभावना नहीं है क्योंकि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। उसी तरह से अगर आप HDFC की बात करें, HDFC बैंक की बात करें, HDFC ये 800 रुपये पर मिल रहा था तो इसमें फिर से करेक्शन आ सकता है, 900 रुपये के नीचे जैसे जाता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। HDFC बैंक जैसे ये 1500 के आसपास जाता है तो आप निश्चित बाय करें क्योंकि 1500 बहुत ही कम समय ऐसा है जो कि ये 1500 पर गया और वहाँ से फिर से बाउंस बैक कर गया। तो ये सारे स्टॉक जिस लेवल पर आपको बाय करना चाहिए, थोड़े थोड़े हम लेवल भी आपको बताते जा रहे हैं तो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि आपको कब इसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद अगला है हमारा आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर और फार्मा सेक्टर दोनों में ये स्टॉक्स है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, बीच में थोड़ी सी गिरावट आया था फिर से ये स्टॉक्स रिकवर कर लिया। तो जैसे ही ये स्टॉक्स करेक्शन पर आपको मिलता है तो ज़रूर बाइंग करें, 26,000% का रिटर्न, इतना बेहतरीन रिटर्न देने वाले स्टॉक्स जब भी करेक्शन वाले प्राइस पर मिलता है तो आप इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी ज़रूर ढूंढें। ये स्टॉक्स जैसे 900 के नीचे मिलता है तो आप इसमें अपना पहला SIP कर सकते हैं और करेक्शन होता है और करेंगे, नहीं तो आप जल्दी इसमें गिरावट आपको नहीं देखने मिलेगा क्योंकि केमिकल सेक्टर और फार्मा सेक्टर दोनों ही बेहतरीन बिजनेस है इसका। उसके बाद अगला है टाइटन। टाइटन क्योंकि राकेश झुंझुनवाला जी को इन्होंने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है तो ये राकेश झुंझुनवाला जी के फेवरेट स्टॉक्स के नाम से भी जाने जाते हैं, लुपिन और टाइटन। और ये देखते हैं 40,000% का रिटर्न दिया है 2020 से 2019 के बीच, तो इतना बेहतरीन स्टॉक्स अगर आपको कभी भी गिरावट वाले मार्केट में मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। जैसे ये 800 के लेवल के आसपास मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या 900 के नीचे कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक्स है SRF केमिकल सेक्टर, काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस वाला स्टॉक्स है। ये स्टॉक्स अपने 52-week हाई के करीब चल रहा है, देखते हैं थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट आई थी, गिरावट वाले समय में अगर आप बाय करते तो ये 2500 के आसपास मिल रहा था, उसके बाद इसमें फिर से दोबारा गिरावट देखने नहीं मिला है। लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट देखेगा तो 16,000% का रिटर्न, मतलब काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। और एक जो स्टॉक्स है SBI कार्ड, दोस्तों SBI कार्ड अभी जो IPO आया है तब से इसमें गिरावट देखने मिला है लेकिन आने वाले समय में स्मार्ट कार्ड बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो ये स्टॉक जैसे 400 के आसपास मिलता है, 500 के नीचे कभी भी मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है और इसका जो आगे आने वाला समय है उसमें काफ़ी यूज होने वाला है। अभी ये इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो मेट्रो सिटी है उसमें कोरोना वायरस के इफेक्ट के कारण सारी जगह लॉकडाउन की स्थिति है, कहीं पर भी कोई चीज़ खरीदारी नहीं हो रहा, लोग सिनेमा थिएटर नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए इसका जो बिजनेस है प्रभावित है, इसलिए इनका रिजल्ट भी काफ़ी प्रभावित होने वाला है। तो ऐसे में ये स्टॉक्स हो सकता है 400 के आसपास आ जाए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कैसे आपको स्टॉक चुनना है, कौन सा स्टॉक चुनना है। तो लास्ट स्टॉक जो हमारा है वो है UPL एग्रो केमिकल्स। आप जो देख रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटिकन सिटी से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है गाँव की तरफ जा चुके हैं, तो ऐसे में जो बिजनेस में बढ़ापा होगा वो एग्री बिजनेस। तो जब एग्रीकल्चर में बढ़ापा होगा तो निश्चित ही UPL परफॉर्म करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर केमिकल सेक्टर में है, तो पेस्टिसाइड्स बनाता है, ये बहुत सारी चीज़ें बनाता है। तो आप इस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये इस सेक्टर का सबसे लीडर स्टॉक्स है।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।